काम किया है, बाकी सबने आपके हकों को खाने का काम किया है। अगर आप यहाँ से ज्ञान लेके जाना चाहते हैं तो उस रथ की फोटो खींच लीजिएगा, उसमें जो जो है उसके विचारधारा को पढ़िएगा, बाकी कोई आपका भगवान नहीं। 85% को एक होने की जरूरत है। हम 85% एक हो जाएंगे तो ये 3% कहीं भी ठहर नहीं पाएंगे। सब मिलकर इनको उखाड़ फेंके, इन्होंने धर्म के जरिए हमारे देश में अराजकता फैला रखी है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये सिर्फ अपनी खेल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो यह सिस्टम ने आप सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए उस सिस्टम को छोड़ दीजिए। किताबें आपने नहीं पढ़ी, अगर आपने ज्योतिबा फुले जी की गुलामगिरी नहीं पढ़ी, मैं बहुत ही अभिनंदन करूंगी और जोरदार तालियों के साथ हमारी माता बहनें और भाई बहन जो आए हैं उनका हम नतमस्तक होकर बहुत ही बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। एक जोरदार तालियां आप ही के सम्मान में, जोरदार तालियां। हमारे बीच में सुमित रतन भंते जी, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना एक रथ यात्रा पूरे भारत में निकाल रहे हैं और वह रथ बाहर खड़ा हुआ है। उस रथ पर जो भी एक एक महान विभूति है, सिर्फ उन्होंने आपके लिए काम किया है, बाकी सबने आपके हकों को खाने का काम किया है। अगर आप यहाँ से ज्ञान लेके जाना चाहते हैं तो उस रथ की फोटो खींच लीजिएगा, उसमें जो जो है उसके विचारधारा को पढ़िएगा, बाकी कोई आपका भगवान नहीं है। शेर एक ऐसे जाबाज सिपाही इस देश के इतिहास को जो उजागर करना चाहते हैं अपनी जान की बाजी में लगाकर, ऐसे मंत्री आपके बीच में आ रहे हैं। देखिए इस मंच पर जितने भी रत्न भारत रत्न बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योत ज्ञान की जलाने के लिए बैठे हैं और पाखंड और अंधविश्वास का दिया बुझाने के लिए बैठे हैं। तो हम स्वागत करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मंच देती हूँ जी के सैन जी को और मैं अपील करना चाहूंगी, यहाँ पे सर्व समाज बैठा है, अगर ज्योतिबा फुले सर्व समाज को नहीं लेके चले तो ज्योतिबा फुले की विचारधारा को हम ही खात्मा कर रहे हैं। तो ये सर्व समाज का प्रोग्राम है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर यशवंतराव भीमराव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुमित रतन भंते जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। ऐसे भारत रत्न आपके इतिहास को जो उजागर करे, अपनी जान की कुर्बानी दे, ऐसे भारत रत्न आपको बार बार नहीं मिलते। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। मनीषा वाल्मीकि केस हुआ, उस केस में कुछ नहीं हुआ, जो मुजरिम थे दोषी थे उनको छोड़ दिया गया। अभी जो ताजा जो मणिपुर में हुआ है, उससे महिलाओं की स्थिति इस देश में पता चलती है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, और जो जितने भी हमारे समाज है एससी एसटी ओबीसी, हम सबको 85% को एक होना पड़ेगा अगर हमें अपने हक और अधिकार देने हैं। हम अपने अधिकारों और अधिकार 3% लोगों को लेके बैठे हैं, हमारे देश के हर संसाधन पर उनका कब्जा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। जब तक हम एक नहीं होंगे, अपने पूरे समाज को प्रतिनिधि चुने देंगे, सबसे पहले हमें 85% को एक होने की जरूरत है। हम 85% एक हो जाएंगे तो ये 3% कहीं भी ठहर नहीं पाएंगे। तो साथियों, हम ये आज प्रण ले कि आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर इनको उखाड़ फेंके। हमारे पास ये ताकत है, हम इस देश के निवासी हैं और ये बाहर से आए हुए लोग हैं। इन्होंने धर्म के जरिए हमारे देश में अराजकता फैला रखी है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू हिंदू कह गए और हिंदू हिंदुओं में भेदभाव करते हैं। तो साथियों, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं,
हम महिलाएं भी अगर अपने घर से निकले, अपने घर से बाहर निकले, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, उसके प्रति हम एक होकर अपने अधिकार दे सकती हैं। अभी इन्होंने संसद में एक बिल पास करा है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन अभी वो बिल सिर्फ पास हुआ है, अभी वो लागू नहीं हुआ है। तो हम सब ये कोशिश करें, हम सब ये इन पे सरकार में प्रेशर बनाएं कि वो बिल भी पास तो हो गया लेकिन लागू हो जाए। ये सिर्फ अपनी खेल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। महिलाओं को जो एक झुंझुना दे दिया कि 33% पास हो गया, सारे मीडिया में ये चला दिया 33% तो मिल गया, 33% बिल पास हो गया, लेकिन लागू कब होगा? मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि इस बिल को क्यों ना अभी इसी सत्र में क्यों ना लागू करें। संसद में इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। अभी हम एक वीडियो वायरल हो रही है, एक सांसद है, इतनी गंदी भाषा का उसमें प्रयोग किया है, लेकिन उसका विरोध करने वालों को ही दबाया जा रहा है। जो उसके जिसके प्रति वो बोल रहा है उसको बिठाया जा रहा है। जब और सांसद होते हैं उनके मुंह से एक शब्द निकला, उन्होंने कोई कागज फाड़ दिया, वो थोड़ा सा आगे चले गए, उनको संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये सांसद विधुड़ी नाम का, ये ओबीसी समाज से बिलोंग करता है लेकिन अपनी समाज की आवाज नहीं उठा सकता। ये ऐसे लोगों का साथ दे रहा है कि भाई जो हमारे समाज को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। अब उसको सस्पेंड नहीं किया, उसको सिर्फ वार्निंग दी गई है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए कहूंगी साथियों, हम 85% SC ST OBC को एक होना पड़ेगा। जय माता सावित्री बाई, जय महात्मा फूले, जय भीम, जय भारत, जय संविधान दिया है। इसलिए अब हमारे ख्याल में आ गया है कि कलम कसाई कौन है, हमारा हित किसमें है, हमारा अहित किसमें है, हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है, यह जानने की हमारा समाज माने सत्य चौक समाज, यह समाज को 150 साल पूरे हो गए हैं लेकिन आज तक हम उस समाज की ओर नहीं बढ़े। सत्य शोधक समाज तर्क करना सिखाता है, तर्क करना हमारी बुनियादी जरूरत है, वह विज्ञान पे आधारित है और वह खोज करके किसी को मानने की बात करता है। माने आप पहले जानिए उसके बाद मानिए, उसको सत्य शोधक समाज कहते हैं। मित्रों 2015 में हम कल्याण में थे और कल्याण से हमारे साथ आज के हमारे जो मोरा जी है ओम प्रकाश जी, वह हमसे 2015 से जुड़ गए हैं, 2016 से वे कंटिन्यूसली हमारे साथ हैं, उनके साथ हम हैं और लगातार वो और हम साथ काम कर रहे हैं। हमने उनको 2018 में सत्यशोधक समाज स्थापित महात्मा ज्योतिराव फुले जी का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और आगे आज हम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष राजबाला सैनी जी को राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के हैसियत से हम घोषित करते हैं। आप कृपया तालियां बजाइए। मित्रों यह कारवा आगे बढ़ता जाएगा, यह कारवा 1873 से चल रहा है लेकिन 1925 से जो आई है RSS, और यह जो कारवा है 1873 का, इसका नाम है यस यस यस, माने सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के ऊपर कुर घोड़ी करी है और उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका दूसरा नाम है रेसियल सुपेरियरिटी सिस्टम। तो यह सिस्टम ने आप सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए उस सिस्टम को छोड़ दीजिए और SSS को अपनाइए तो आपका भला होगा और आपका यह कारवा आगे बढ़ेगा। हमने 2018 में संवैधानिक न्याय यात्रा निकाली है, मोरा साहब की वो आइडिया थी, उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था और पूरे महाराष्ट्र में 34 दिन तक लगातार मिसेज काले और मिसेज गोरे, मिस्टर काले और मिसेज गोरे, पति और पत्नी, ये दो कपल 34 दिन हम चले और साथ में बाकी लोगों का कारवा हमारे चलता रहा। तो यह संवैधानिक यात्रा 2018 में निकाली थी, 11 अप्रैल से 11 मई तक निकाली थी। अब माननीय भदंत सुमित रत्न थेरू जी भी यह संविधान निकाल रहे हैं, 1,00,000 प्रतियां वो अपने भारतीय संविधान के बांटेंगे, 1,00,000 प्रतियां भारतीय संविधान के बांटेंगे, उनके लिए जरा कृपया एक बार तालियां हो जाए। साथियों यह कारवा चलता रहेगा, हम आप रहेंगे। हमारे सारे पत्रकार बंधु भी याद रखें कि तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले उन्होंने उनके जितने भी महामंगल सूत्र हैं, जितनी बाड़ी है, उन्होंने वही ही धम्म है, धर्म जो है प्राकृतिक है, धर्म जो है सनातन धर्म है, सनातन धर्म का कभी परिवर्तन नहीं होता। आज अगर ये भगवान बुद्ध की बात को इस भारत के हर लोग, हर जगह पर, पूरे विश्व के लोग उसको आत्मसात करें
पूरा विश्व जो है वासुदेव कुटुंबम कुटुंबम हो जाएगा। अब आज इसके बाद में हमारी कार्याध्यक्ष राजबादा जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे लोग जो हैं जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के पद चिन्हों पर चले हैं, हमारे आज के जो गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय भीमराव जी, आदरणीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय हमारे भाई राजन जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।